मेरे आज के मेहमान हैं बिलाल खान। आप लोग जानते हैं उन्हें, सिंगर हैं, एक्ट भी करते हैं और अपना उनका व्लॉग भी है। मगर क्या हम लोग जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से? शायद नहीं। तो आज जानेंगे अच्छी तरह से। आइए मिलते हैं बिलाल खान से। थैंक यू सो मच बिलाल। तुम अभी आए हो टोरंटो से? जी अभी आया हूं। स्टिल जेट लैग्ड? स्टिल जेट लैग्ड, अभी मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। वहां क्या कर रहे हो टोरंटो में? वहाँ मैं अभी गाने शाने रिकॉर्ड कर रहा था बैठ के अपनी बेसमेंट में, क्योंकि -27 था बाहर। और वैसे कितना अच्छा वक्त है ना, बाहर बर्फ पड़ी, नहीं जा सकते सिवाय क्रिएट करने के। एग्जैक्टली, और बर्फ गिर रही है विंडो के अंदर से। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड और हम रिवाइंड करें, बचपन से शुरू करें, गाना सुना दो प्लीज। जरूर। हाँ, लाया हूँ गिटार। मैंने देखा तुम्हें, तो पता था मैं जाने नहीं दूंगी, है ना? तो गाने का नाम है बचाना, ये मेरा पहला गाना था और 2009 में आया था। इसको समथिंग लाइक तन्हाई के सफर में चलना सबर से, कोई ना नजर में। जब ख्वाब ने छोड़ जाए, सोचों को निभा ना पाए, दिनों याद आए ना, खता हो गई सजा हो गई, पुराने दिन याद मर के होती जिंदगी क्या। मैं डूब रहा डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। मैं डूब रहा डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। जगमगाती हुई रात के लबे, शिकायतें कोई नहीं मुझको सुन रहा। वो डलता दिन मजबूर है, मंजिल जरा दूर है, बुझ रहा उम्मीदों का चेहरा। खता हो गई सजा हो गई, पुराने दिन याद आए ना, दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या। मैं डूब रहा डूब रहा, बचाना मुझे बचाना। क्या उम्र थी उस वक्त? मैं था 23 का। तो फिर क्यों इतना, कहाँ से आया ये दुख? बस ये बहुत दुख आया क्योंकि मैं इस वक्त लम्स में पढ़ा था और आखिरी साल था मेरा, और मैं लम्स में बड़े एम्बिशंस और एक मोटिव और एक फोकस के साथ गया था। और जब मैं लम्स मैंने शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जगह मेरे लिए शायद इतनी सूटेबल नहीं है, बिकॉज वहाँ सारे लोग बहुत कंपेटिटिव थे और एक फोकस थे अपनी बैंक की नौकरी और मल्टीनेशनल कंपनीज पे काम करने में, और मैं अपनी आर्टिस्टिक साइड एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि लम्स में कहाँ पहुँच गए थे। हाँ, मैं लम्स में गलती से एमसीए में होना चाहिए था। तो टू लेट टू रियलाइज, सो मेरे ग्रेड जो थे वो नीचे को जाना शुरू हो गए और मेरी जो सॉन्ग राइटिंग वो ऊपर को जाना शुरू हो गई। सो ग्रेट स्टिमुलस फॉर गुड सॉन्ग्स, बट unfortunately came with sadness, but fortunately for me because this ended up being acha hua na hai, otherwise we would have never found you. We would, yeah, probably if I had written a happier song maybe wo khatam ho gaya hota mera udhari career. Yeah, so how many brothers and sisters are you?
I have one sister. She's younger. She went to NCA. She's a miniature artist. वो चली गई NCA? वो चली गई उसने. मुझे था कि घर वाले कहते रहे कि कुछ बिजनेस में करो, आर्ट्स में क्या करना. मतलब ऐसा सच नहीं कहते थे. अच्छा. लेकिन मेरे मामू. अच्छा, ये बड़ी हैरान कर बात है कि अब्बू डॉक्टर हैं और वो कहते बिजनेस करो. नहीं, अब्बू नहीं कहते थे, लेकिन मेरी बाकी जो ननिहाली जिस तरह मेरे मामू हैं, ही इज अ सक्सेसफुल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ ह्यूज कंपनी. अच्छा. सो ही ऑलवेज फेल्ट कि यू नो दिस इज द बिजनेस इज द राइट वे टू गो एंड मे बी ही इज राइट इन अ वे. सो यू जस्ट टू ऑफ यू? Just two of me, yeah. A boy and a girl. Boy and a girl, and she's 3 years younger, and she's an amazing artist in her own right. A miniature artist. Miniature artist. She's doing very well. She's very serious about her art. Unlike me, I'm like more. I enjoy it, but yeah. तो फिर ये मतलब मेरी कोई formal training नहीं है. I am self-taught. और लिखा भी खुद. हर चीज़ को. ये बचाना भी खुद लिखा. Guitar सीखा भी खुद, लिखा भी खुद, tune भी खुद. तो अलावा इसमें पढ़ा खुद. पढ़ाई भी कह रहा हूँ बहुत कम हुई. So, did you clear it? Yeah, I managed to graduate. Graduate या MBA किया? नहीं, bachelor's. Bachelor's किया. जी, bachelor's किया. फिर ये गाना मैंने निकाला एक साल. तो अभी तो रुक जाओ. हाँ, अभी sorry. तो college से पीछे जा रहे हैं. College. School. 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 Earliest memory क्या है? Earliest memory is that's a really good question. I never really thought about that. I think my earliest memory is I am somewhere in Mangla because that's where my dad was posted. Aur mujhe hazy si image hai uski ki main Mangla mein phir raha hu. Aur almost kyunki maine psychology mein padha hai ki aap jab apni memories ka sochte hain to you recreate them based on the facts that you have in your brain. Acha. Wo aap to aapki aksar memory galat bhi ho sakti hai. To meri jo memory aa rahi hai usme wo almost faded se colors aa rahe hain kyunki main purana zamana soch raha hu. To mujhe mangla ek faded sa brownish si tone mein nazar aa raha hai. I don't know main kya bol raha hu but to shararti the ya serious ya dreamer? I would say a dreamer and so very reserved to myself. Acha. I was a very main wo shor machane wala bachcha nahi tha. To kahan hote the? Darwaze ke piche ya mez ke niche ya pardon ke piche? Sheeshe ke samne. Sheeshe ke samne. Ye actually mujhe mera ye scar ek yahan pe aur aksar log poochte hain ki kya hua. To mujhe cricket ka intihai shauk tha bachpan mein. Main pagal tha cricket ke piche aur mere kuch heroes bhi the. Fast bowling ka mujhe bahut shauk tha. To वर्ल्ड कप का ज़माना था 92 की बात है. और हम फाइनल्स में पहुंचे तो मैं बॉलर्स के एक्शन कॉपी करने के मुझे बड़ी शौक था बचपन में. तो मिरर के सामने जाके मैं कॉपी करता था. तो एक दिन ऐसे ही मैं वसीम अकरम के बदले किसी का कॉपी कर रहा था. तो वहाँ मैट पड़ा हुआ था, उससे मैं स्लिप हुआ हूँ और सीधा मेरे ये फोरहेड जाके लगा कोने पे मेज के. तो वो कहते हैं ना कि एक्टिंग में चोटें तो लगती रहती हैं, तो स्टंट करते हैं. चोट लगी, फिर 3 स्टिचेस लगे थे मुझे और काफ़ी पेन में था. तो क्या सोचते थे जब क्रिकेट खेलते वक्त कि मैंने ये परसू करना है या नहीं? या मुझे बहुत शौक था क्रिकेटर बनने का. तो फिर क्रिकेटर क्यों नहीं बने? एक्चुअली आई थिंक मैं शायद क्रिकेट में बेहतर था म्यूजिक से. मैं फास्ट बॉलिंग करता था, बड़ी तेज़ मेरी बॉल होती थी और बचपन में मैं करता ही सिर्फ क्रिकेट ही खेलता था. पढ़ता भी था ऑब्वियसली. लेकिन कॉमिक्स पढ़ते थे? कॉमिक्स नहीं इतना पढ़ता था. अच्छा, किताबें पढ़ने का. किताबें क्या पढ़ते थे? बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एम्बैरेसिंग चीज़ें भी पढ़ी हैं. एक मेरी अम्मी को क्योंकि नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से. अब अनफॉर्चुनेटली उनकी आदत ख़राब हो गई है, वो नॉवेल्स नहीं पढ़ती हैं, वो फेसबुक करती रहती हैं सारा. लेकिन उनकी वजह से मुझे ये आदत पड़ी थी कि बुक्स में लाइब्रेरी घर में थी बहुत किताबें. घर में नहीं थी लेकिन मैं मेरी अम्मी ने एक मेंबरशिप ली हुई थी. अच्छा. जैसा लाइब्रेरी वगैरह से, तो उधर से हम जाके किताबें लिया करते थे. तो आई वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड शुरू से. मैं जब भी बुक स्टोर में जाता था मैं अपनी अम्मी को कहता था कि कोई यहाँ मुझे ऐसी किताब मिल सकती है जिससे मैं ये ढूंढ सकूँ कि कोई इन्वेंशन कैसे होती है, कोई चीज़ इन्वेंट कैसे करते हैं. तो आई थिंक आई हैड दैट क्रिएटिव स्ट्रीक फ्रॉम द गेट गो एंड आई वुड सिट डाउन एंड ट्राई एंड मेक स्टोरीज एंड देन पूरा मैं उसका कवर ड्रॉ करता था, बनाता था. इस तरह की चीज़ें शुरू से क्रिएटिव कुछ बचा हुआ है, कुछ अम्मी ने संभाल के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा आई एम श्योर. क्योंकि माई करती है ना ये. जी किसी ना किसी फोल्डर में जरूर होगी. तो स्केचेस होते थे, क्या ड्रॉ करते थे? पहले स्टोरी लिखता था. हाँ, एक मुझे स्टोरी याद भी है, पता नहीं
साइंटिस्ट होता है, साथ बच्चा होता है, वो डायनासोर के, लंबी स्टोरी है उसको अगर शॉर्ट में उसका वर्जन बताऊं तो एंड में ये होता है कि वो जाता है। You're fascinated by dinosaurs. I guess I had dinosaurs as a kid and I was really fascinated by. गिटार इतने ज्यादा नहीं है, 3-4 ही हैं, लेकिन ऑल ओवर द प्लेस पड़े हुए हैं। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने? थोड़ा बहुत पियानो आता है। अच्छा। बट मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट इज दैट्स अ ग्रेट इनसाइट यार। तो क्या डिड यू कार्स जमा करते थे या डायनासोर जमा करते थे या फिगर्स जैसे एक्शन फिगर्स डायनासोर्स वो हल्क एंड पता नहीं क्या क्या चीजें थी है ना अजीबो गरीब अगलीस्ट पॉसिबल फिगर्स अगलीस्ट आई एम टेलिंग यू या मेरा फेवरेट था ही-मैन ही-मैन तो मैं एक दफा एग्जाम में पास हुआ तो उसमें एक दफा नहीं काफी दफा पास में लेकिन मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं तो घर वालों ने कहा कि तुम्हें आज कुछ लेके देते तो फिर मैंने जाके ही मैं लिया था 7-8 साल का हूँ तो कौन सी चीज़ अभी तक पास है बचपन में ये सारे खिलौने पड़े हुए हैं मेरे सारे पास सारे पड़े हैं शुक्र है मेरी अम्मी ने किसी को दे नहीं दिए कि बेटा ये ले लो हाँ मैंने ऐसी गलती की और मुझे आज तक सुनना पड़ता है हालांकि I'm glad she didn't do it yeah but like I still never look at them sometimes I'll just open them and they'd be there but बेशुमार figures हैं figures हैं और dust भी आ गई हैं पे कोई डायरी वाली I have newer toys now so I'm more interested तो कितने guitars हैं गिटार इतने ज्यादा नहीं है 3-4 ही हैं लेकिन ऑल ओवर द प्लेस पड़े हुए हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने थोड़ा बहुत पियानो आता है अच्छा But my main instrument is guitar. I'm self-taught. Pehla din school ka yaad hai? Pehla din school ka? Nahi yaad, lekin pehla din ek din yaad hai jab maine I don't know for some reason I was very homesick and I remember crying in the school because I don't know like maybe the kids were bullying me or something and I wasn't very comfortable in school. So kya the? Gussa chadta tha? Kaise bachche the? बच्चे लड़ाई झगड़ा होता था या नहीं चुप नहीं नहीं मेरा लड़ाई भी काफी होती थी है या पढ़ाई की किसी की हूँ तो मैं पठान तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कोई ऊपर से चढ़ाई करे लेकिन या यू नो लाइक स्कूल में हर कोई बुली होता है फील और गैंग बनाया बच्चे गैंग भी बनाते हैं ना अपना अपना गैंग गैंग थोड़ी जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया आई थिंक तब गैंग बनाता है या और मैं ऐसी तड़ियां भी लगा देता कि मैं दिख लूंगा तुम्हें सो या कभी अब्बू से डांट पड़ी डांट तो काफी पड़ी है और अम्मी से तो स्पेशली ज्यादा पड़ी है तो किस बात पे पड़ती थी डांट बहन को तंग कर क्या करते थे बस बहन को मेरा लाइफ का मिशन था कि मैंने बहन को किसी ना किसी तरीके से आई थिंक गेस मेरा प्यार करने का तरीका ये है बहन को कि उसको जितना मैक्सिमम तंग किया जाए इस लेवल तक कि वो रिएक्ट करें और फिर कुछ हो क्या होता था या वो मुझे कुछ मारती मारती थी या फिर मैं उसको कुछ कहता था तो फिर अम्मी की तरफ से डांट पड़ती थी बेस्ट केस डांट पड़ती थी वर्स्ट केस कोई जूती उड़ती या इस तरह की चीजें काफी होती तो कभी अम्मी की डांट से छुपे कभी बहन ने यू नो बचा लिया क्योंकि बहनें बचा लेती हैं ना कभी नहीं 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 मेरी कभी बहन, मेरी बहन को तो एंजॉय कर दी थी हाँ, कि आप बस यहाँ से आंसू गिरा यहाँ से स्माइल है ना कि आप ये तुम देखो वेट करो यार पहला गाना कब लिखा था किस उम्र में पहला गाना मैंने लिखा था 16 साल में कि जब मैंने नया नया गाना गिटार बजाना सीखा था तो किस तरह मतलब हाउ डिड इट हैपन गिटार म्यूजिक था घर में Did your mother sing or your father? My grandmother used to sing. Achha. Not like professionally, but she would sing for her friends and stuff. She used to live in voice? Libya and Malta. में वहीं है काफी. तो उधर उनकी gatherings होती थी, doctors होते थे, तो उनकी wives होती थी. तो उधर बैठ के वो अक्सर गाएगा. उन वो streak आया मेरी अम्मी में. हाँ. So my mom was on. वो गुनगुनाती थी. वो बच्चों में जब she was younger तो she would sing and then she was on also on TV in Libya or something for like a brief session or something just to sing a national anthem अच्छा अच्छा so I guess I got that singing streak from her but I never realized that I had the singing capabilities it was only when I was 16 I was going to school and I saw somebody playing guitar at my school and I was like I want to do that and उस वक्त नया नया एक बैंड आया था नूरी के नाम से तो वो गिटार भी बजाते थे
तो मैंने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए. ईदी मिलती थी मुझे और मुझे कुछ दो तीन साल में मेरी इकट्ठी हुई थी 2000. तो लाहौर में एक जगह है पैनोरामा, उधर मैं जैकेट लेने गया हूँ लेदर की, सर्दियाँ थी. तो वहाँ मुझे लड़का नज़र आया गिटार, मैंने कहा ये गिटार है, और मैंने वो लड़का भी बजा रहा था तो मुझे ये ख़रीदना है. तो मैंने उसकी प्राइस वाइस नहीं पूछी, तो मैं वापस आ गया. मैंने अपनी अम्मी को अगले दिन कहा कि मैंने जाना है और मैंने गिटार खरीदना है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है जाके देख लेते हैं. तो मैंने अपने पैसे निकाले वॉलेट में से, मैंने कहा उधर गया, आई वॉज 500 रुपीज़ शॉर्ट. वो 2500 का था और मेरे पास 2000 थे. खैर मेरी अम्मी ने 500 एक्स्ट्रा डाल के, पैसे की मुझे काफ़ी किल्लत थी लेकिन मैं हमेशा से सेव करता रहा हूँ पैसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए. तो वो मेरी अपॉर्चुनिटी पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी मिलती थी लेकिन वो मैं उड़ा देता था खाने पीने में. ईदी जो थी वो मैंने सेव करके रखी थी कि कुछ चीज़ करनी. खैर वो मैं गिटार ले आया, आई हैड नो आइडिया हाउ आई वाज गोना लर्न, कोई टीचर भी नहीं था. बट एक मेरे में था कि मैंने ये सीख के छोड़ना जो मर्जी हो जाए. गर्मियों की छुट्टियाँ थी, ओ लेवल्स दिए थे और टाइम था मेरे पास, तो मैंने इंटरनेट पे खोले आर्टिकल्स और वहाँ से डायग्राम्स देख देख के उंगलियों में दर्द भी होती थी और लेकिन कर कर के वो मैंने गर्मियाँ लगा के एक दो गाने सीख लिए. बट वो मुझे साथ साथ और हाँ दूसरी चीज़ मैंने जो की थी वो ये था कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को बताऊँगा नहीं कि मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं दोस्तों को बताऊँगा वो कहेंगे यार क्या गिटार किस तरह सीखोगे, ये वो यू नो डिस्करेज करेंगे. तो इसलिए फिर मैंने चुप के मैं काम करता रहा और सीख लिया. जब एक दो गाने तो फिर मैंने दोस्तों को सुनाया. तो दोस्तों के साथ क्या होता था, दोस्तों क्या के करते साथ थे आप? हंसी मजाक, हम हॉटस्पॉट पर अक्सर काफ़ी बैठा करते. अच्छा। थे नया नया खुला था डिफेंस में, तो हम वहाँ टाइम वेस्ट करते थे बेसिकली, बैठ के एक आइसक्रीम का स्कूप ले लेते थे और 4-5 घंटे तो गाड़ियाँ आ रही. तो आप लोग क्या बातें करते थे, क्या मतलब? अब मैं आपको बता नहीं सकता लेकिन कोई इतनी डीप फिलॉसफी वाली बात नहीं होती, नहीं ये मैं आपको बता सकता हूं. अब वो क्या रिएक्शन था व्हेन ही सॉ द गिटार इन योर हैंड? मेरे घर वाले हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ माय टैलेंट एंड टैलेंट इन माय परस्यूट ऑफ म्यूजिक. दे नेवर डिस्करेज्ड के ये ना किया करो या वो ना, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि पढ़ाई जो है ना उस पर फोकस करना. सो अगर कोई घर पे हमारे जैसा गेस्ट आते थे तो वो हमेशा मेरे पेरेंट्स ये कहते थे कि हाँ, वो कहते थे कि यू नो जब मैं गाना सुनाता था कि बड़ा अच्छा गाता है लड़का, इसको कुछ करना चाहिए कि वो कहते थे नहीं नहीं ये अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, इसको पढ़ाई करने दे, अभी बिजनेस के लिए तैयार हो रहा है. हाँ बिजनेस या जो भी जॉब करनी है इसने. तो म्यूज़िक ऐसी साइड पर चल रहा है. मेरे अंदर दिल में मुझे पता था कि नहीं मैं काफ़ी सीरियसली फील करता उसको, बट मैं चुप के उसके बारे में गाने लिखता रहता था, काम करता रहता था. सो एक होता है पैशन आई फील और एक होती है ड्राइव. पैशन जो होता है वो थोड़ा लाउड होता है कि दिस व्हाट आई वांट टू डू, ये वो. ड्राइव जो होती है, जो लोग ड्रिवन होते हैं वो आई थिंक क्वाइटर होते हैं, वो चुप करके एक जगह में लगे रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता. आई डोंट नो, वो आपने मूवी देखी शॉशैंक रिडेम्पशन? हाँ बिल्कुल. उसमें जैसे वो थोड़ा थोड़ा खुरेदता रहता है और इवेंचुअली कितने सालों बाद वो निकल जाता है. आई ऑलमोस्ट फील लाइक इसी तरह चीज़ें होती हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड और अपने आप पर फोकस लाओ तो फिर वो एक्सटर्नल कंडीशन शायद कभी कभार, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे सेंसिटिव हो, एंड आई फील कि मैं सेंसिटिव हूँ, सेंसिटिविटी की वजह से ही गाने लिख सकता हूँ, तो फिर क्योंकि इसके अंदर एक है, यू कैन एक शख्स है जो कह रहा है कि मुझे बचाओ. राइट. सो एंड द फनी थिंग इज आई नेवर आस्क्ड देम फॉर परमिशन और नेवर प्लेड दिस सॉन्ग फॉर देम. नो नेवर. आई नेवर डिड. आई जस्ट, जब उन्होंने सुना, जब सुना इट हैड ऑलरेडी बिकम फेमस. सो मैं आखिरी साल में था लम्स में और जब मैंने गाना डाला बाहर तो इट स्टार्ट स्प्रेडिंग ऑन लम्स कैंपस एंड फ्रॉम देयर इन अदर यूनिवर्सिटीज. And I had like recorded this on my computer. जो भी मेरे पास basic equipment था उसके साथ मैंने record करके मैंने डाल दिया. तो once it started to spread and become sort of a viral thing उस ज़माने में, तो I think they just had no choice but to accept it because I had just quietly planted this idea. There's this song out and it's now people are listening to it, people are enjoying it. So eventually they started to. So how did you do all this? कि music भी कर रहे हो और बाहर पढ़ने भी जा रहे हो. ये इतना किस तरह? US भी चले गए,
वो यूएस बाद में गया मैं। तो किस तरह हो गया ये सारा कुछ? हाँ, मोहब्बत हुई सर से में? नहीं, तो फिर हुआ ये कि क्या हुआ, मोहब्बत हुई सर से में? किस मोहब्बत इस अरसे में नहीं हुई, इसके बाद मुझे अरसे में और बड़ी खराब। इस अरसे में क्या हुआ? इस अरसे में ये हुआ कि मैं, मेरा गाना हिट हो गया बचाना। हाँ। लेकिन बचाना हिट करने के लिए भी मुझे एक साल काम करना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। गाना मैंने डाला, अच्छा वायरल सक्सेस हो गया कैंपसेस पे। उसकी प्रॉपर म्यूजिक वीडियो जो आप कह रही थी बड़ी अच्छी है, अच्छी तो है, लेकिन गाना प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उसको म्यूजिक वीडियो बनाना, उसके लिए पैसे चाहिए थे। हाँ। पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं स्टूडेंट था, घर वालों से मैंने मांगने नहीं थे। एक साल मैं इस्लामाबाद गया, एडवर्टाइजिंग में काम किया, पैसे जोड़े, वापस आया लाहौर, गाना रिकॉर्ड किया, उसको डाला, फिर भी जॉब करता रहा। फिर मुझे कोक स्टूडियो से कॉल आई, रोहेल हयात की, अच्छा उस टाइम पे, कि आपका ये गाना है तो वी वॉन्ट यू टू कम टू कोक स्टूडियो एंड परफॉर्म द सॉन्ग। सो आई वॉज वेरी लकी दैट वन ईयर आफ्टर हैविंग पुट आउट द सॉन्ग आई वॉज ऑन कोक स्टूडियो। I did another song called Tou Kia Hua, which ended up becoming the one of the biggest songs of that season, and that sort of changed my life completely, because then I started doing concerts and then shows mile, sponsorship deals mile, Levi's se deal mile, ye wo. To is tarah ki jab cheezein hui, wo paise jab maine jode, ye sari kahani paise jodne ki basically hai, jab wo mere paas itne paise aa gaye to fir mera bachpan ka khwab tha ki maine bahar padhne jana hai US। तो जैसे ही मेरे पास वो पैसे आए कि मैं मास्टर्स के लिए जा सकता हूँ, क्योंकि बाहर यू नो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो फिर क्या पढ़ा? मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ने बाहर चला गया 2 साल। म्यूजिक पढ़ने नहीं गए? म्यूजिक मुझे अंदाज़ा था कि मैंने अगर खुद सीख सकता हूँ हाँ। तो म्यूजिक पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजिंग से मुझे एक, तो मैंने एक साल उसमें काम किया हुआ था, उसका कुछ एक्सपीरियंस था, बट इट वॉज स्टिल रिलेटेड टू म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग का मुझे शौक था। So, so you, are you still with advertising? I'm not, but I'm using it every day. Like, अच्छा, I am, अपने काम में। जिस तरह मैं आजकल एक चीज कर रहा हूँ, vlogging। अच्छा। जिसमें मैं वीडियो शूट करता हूँ, अच्छा। फिर एडिट करता हूँ, वो काफी पॉपुलर हुए मैं, तो वो सारी स्किल्स जो हैं वो मैंने उस मास्टर्स की प्रोग्राम में। वैसे कुछ भी आदमी सीख ले वो कभी जाया नहीं जाता, जाया नहीं जाती, कभी नहीं जाता। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैंने ये प्रोफेशन अपनाना है बस मैं यही करूं, नहीं, आप जो भी करते चले जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आएगा। बिल्कुल। और जिस तरह फिर मैं अमेरिका गया तो फिर वहाँ मैंने और शॉर्ट कोर्सेज देखे, जैसे एक्टिंग वगैरह के थे, तो एक्टिंग भी मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत सीखी। मैंने ये पूछना था कि किस तरह हुआ ये, कि ये कब ख्याल आया कि मैं एक्ट भी कर सकता हूँ? ये मुझे ख्याल नहीं आया, किसी ने ख्याल दिलाया, किसी ने ऑफर आई, ऑफर आई, और मुझे बिल्कुल शौक नहीं था एक्टिंग का। मैंने कहा मैंने करना ही म्यूजिक है एक्टिंग पर। तो ये उन्हीं दिनों में था। फिर मुझे, मैंने दूसरा सीजन किया कोक स्टूडियो का, ये जाने से पहले है, मैंने कहा जाने से पहले। तो उन दिनों मुझे मोमिना दुरेद हैं जो हम टीवी में MD प्रोडक्शन ऑन करती हैं, उनकी कॉल आई थी कि हमारा एक टेलीफिल्म हो रही है बुशरा अंसारी की, तो वी वॉन्ट यू टू एक्ट इन इट। I was like, me? Really? Like, मुझे तो कुछ A to Z नहीं पता है, ठीक है, तो मैं कहाँ से करूँगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करें। और मैंने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ कर लो। तो मैं फिर भी लाइक आई वाज स्टिल ऑन द एज, आई डोंट वांट टू। उन्हीं दिनों, आई डोंट नो, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक आई एम शोइंग ऑफ, बट मे बी आई शुड टॉक अबाउट इट। नो, यू कैन शो ऑफ अ लिटिल। उन दिनों लाइक मुझे कॉल आई थी, अभी टेलीफिल्म मेरी शूट भी नहीं हुई थी, कोक स्टूडियो वालों से फ़ोन आया कि इंडिया से कॉल आई है, कोई डायरेक्टर है वो आपसे बात करना चाहते। अच्छा ठीक है, गाने के लिए गाना मांग रहे होंगे, ठीक है दे देंगे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया उनकी टीम ने, उन्होंने कहा जी कि हम बात कर रहे हैं राजकुमार हिरानी कैंप से, एंड वी सॉ यू ऑन कोक स्टूडियो एंड देयर इज दिस मूवी दैट वी आर मेकिंग, उसमें पाकिस्तानी का रोल है, we were wondering if you would be interested in acting, and frankly I wasn't, I was just going to US, and I was like ha yeah, you know, I'll do it. You know, like this is, there's this audition piece, mujhe I have like zero knowledge of acting or auditions or anything, so they sent me a script ki ye aapne audition karke bhej dena, na maine kisi se pucha na kuch kiya, maine phone pe I think record karke jo script likhi thi wahi padh ke maine wapas bhej diya. No surprises, they never called me back, but that role ended up being Sarfraz ka role in PK movie, which was the probably the biggest film in India. And I missed out on it. So yeah, once I saw that when I was in US,
जो मैंने वो डायलॉग्स देखे मूवी में, मैंने कहे तो मैंने पढ़े थे तो फिर मैंने तो उधर से मुझे फिर थोड़ा सा मैंने कहा एक्टिंग को भी शायद मे बी आई शुड लुक एट एंड सीरियसली या एंड सो आई टुक सम शॉर्ट कोर्सेज आई आल्सो डिड एन ऑनलाइन कोर्स विद नाउ द इनफेमस केविन स्पेसी हु इज अ great actor, he's a, still a great actor but not very well known now. And then when I came back, then again met Momina ji, and then I was offered Sammi baad mein, after some time that I had come back and they said it's a great project. Beech mein haan mujhe kafi sari acting ki offers aati rahi lekin I was in America so I couldn't really pursue them, but then I came back, then I would got the offer. Sammi was a great cast, great production, great story, ek social cause ke upar tha. So I thought let's try it out. But you were asking me ke how is it isn't it hard to like manage everything? Kyunki music ko bahut waqt chahiye hota hai. Aap unhe likhna hai, aapne usko banana hai, aapne music ki composition banani hai. And obviously would put time consuming cheez hai. Right. To usme how do you manage ke act acting mein to hum chale jaate hain. मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरी सारी जिंदगी सेट पर ही गुजर गई. बिल्कुल. एंड यू टोटली आइसोलेटेड. आप उस वक्त उस कैरेक्टर में होते हैं. बिल्कुल. और आप कहीं जा भी नहीं सकते. आप जल्दी से जाके कुछ और भी नहीं करके आके. और मेरे साथ तो डबल प्रॉब्लम है. आपके लिए तो ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेरी इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन जो है वो है स्क्रिप्ट की लाइनें याद करनी. Yes. वो तो मुझसे होती नहीं है और मेरी टेक्स भी बहुत ज्यादा होती है उसकी वजह से. क्योंकि क्या अंग्रेजी में सोचते हो? अंग्रेजी में सोचता हूँ और फिर मैं ट्रांसलेट करता हूँ, फिर मेरी ग्रामर गलत हो जाती है. तो मतलब तो मुझे पता है किसने कहना क्या है, लेकिन जब मैं अपने लफ्जों में कहना शुरू करता हूँ तो वो का की हो जाता है और वो सब गलत. ये मेरे साथ शुरू में होता था क्योंकि आई थिंक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का ये नुकसान है. बट फिर मैंने उस पर फिर काम किया. पहले मैं रोती थी, मुझे किसने कहा था एक्टर बनने का, याद होती थी. एग्जैक्टली. तो मुझे रट्टा मारना पड़ता है. आई थॉट अबाउट इट कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. फिर मुझे कॉन्शियसली मुझे समझ आई कि मैं अंग्रेजी में उसका फिर पहले ट्रांसलेट करके उसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करती हूँ. अगर मैं डायरेक्टली उर्दू में ही सोचूं और उर्दू में ही डिलीवर करूं तो बेहतर हो जाए. अच्छा. फिर मैंने अपनी लाइनों से दोस्ती करने की कोशिश की. ये मुझे बात सिखाई है. और एक है ना, सानिया सईद ने मुझे कहा कि आप उर्दू अखबार पढ़ा करें, कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो उर्दू अखबार से और बढ़ेगी, वसी होगी. तो फिर वो अंग्रेजी को थोड़ा सा हटा सकोगे ना? क्योंकि मैं सपोर्टिंग वर्ड्स अब जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अंग्रेजी के सपोर्टिंग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे उर्दू के इस्तेमाल करने चाहिए लफ्ज. तो अगर मैं तो अभी दोस्ती हो गई जुमलों से? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत अभी भी बहुत टेंशन होती है मुझे. Like, आप जब चीज़ें हाइंडसाइट में देखना शुरू करते हो तो यू रियलाइज के एक पर्पस के लिए हुई एंड देन इट टेक्स यू इन सर्टेन डायरेक्शन. तो करोगे परसू एक्टिंग को, रखोगे या सिर्फ ये? आई थिंक अभी तक जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ खामोशी, उसका रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है सरप्राइजिंगली. मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है. मेरी एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं. तो जब तक लोग कहते रहेंगे कि हाँ अच्छा कर रहे हो, आई थिंक मैं करता रहूँगा. But मेरा first focus is primarily singing. I am seeing myself as a singer songer. Yeah, for now I can. I have no life, but yeah. Music and acting. Music and acting. And the third thing that I'm doing is like vlogging, which is this third thing. ठीक है. उसमें क्या करते हो अपने? वो basically जिस समय set पे हूँ. हाँ. So I shoot like every day कि मेरे साथ हो क्या रहा. And then I edit it in a nice, interesting way to tell a story about. So you're telling your story. You're, yeah. You're like a. So I'm on like the set. A, like a so on the concert. It's like a diary. Yeah, yeah. And people are really liking. Like I have this YouTube channel that's like starting to grow, and I've been lucky enough to get interesting people on board as well. Like I met Imran Khan and I met all these amazing people. Then traveling or whatever. So it takes a lot of time to edit those videos as well. So then, फिर कनाडा क्यों भाग गए? जब इतना कुछ यहाँ क्योंकि यहाँ इतना कुछ हो रहा था तो मैंने कहा अब मुझे थोड़ा टाइम, आई नीड सम टाइम ऑफ बिकॉज़ आई हैव बीन राइटिंग एनीथिंग. देखा, सो आई शुड गो एंड लाइक ट्राई एंड गेट माय क्रिएटिव. सो वो हाइबरनेट करने के लिए जितना चूहा घुस जाता. अच्छा, तो फिर समर्स में क्या करते हो? बिकॉज समर्स इज द टाइम जहाँ यहाँ से इंसान भागे. समर में तो विंटर्स में भाग गए.
विंटर में क्योंकि मुझे ब्रेक मिली हुई थी. अच्छा, अभी अच्छा. हमारी मेरी जो को एक्टर है जारा नूर अब्बास, उनकी शादी हो रही थी. अच्छा. तो इसलिए हमें महीना ऑफ मिला. तो मैंने कहा चले महीना ऑफ है तो फिर मैं चला जाता. तो अभी मैं वापस आया हूँ, शूटिंग कंप्लीट करूँगा और फिर आगे आगे फिर और प्रोजेक्ट्स हैं वो करूँगा. एक्टिंग के म्यूज़िक रिलेटेड भी हैं और एक्टिंग. अच्छा, वाले तो अभी पता नहीं मैं करूँगा कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है. इट्स लाइक 6-7 months है ना. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को अपने वो जो असल में जो पैशन है ना. जी तभी असल में जो मोहब्बत है. जी तभी मैं -27 बर्दाश्त करके आया. सो फिर मोहब्बत किससे हुई? व्हेन यू वर अ टीनेजर? या नहीं तब नहीं हुई? टीनेजर में तो नहीं मेरे ख्याल. पहली मोहब्बत कब हुई, किससे हुई? थी एक लड़की और मैं उसका क्या नाम लूं? नाम नहीं लो. हाँ बस एक थी, एक लड़की थी. चली गई. चली गई? भेज दी या चली गई? क्या मैं कहूँ, बस छोड़ें पुरानी बात. अच्छा फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? दूसरी उसके बाद हुई. अच्छा. जब वो खत्म हो गया वो भी चली गई? वो भी चली. वो भी बहुत दुख. रोए? बहुत रोए? नहीं रोया तो नहीं, लेकिन गाने का गाने बड़े लिखे. गाने बड़े लिखे. कौन कौन से लिखे? अभी मैं आपको सुनाऊंगा एंड में एक है. अच्छा ये वो दूसरी मोहब्बत के बाद का गाना सुनाओगे? ये शायद पहली का हो. अच्छा. लेकिन दूसरी पे भी अप्लाई करेंगे. और तीसरी मोहब्बत कब हुई? तीसरी अभी होनी. अभी होनी है? ओके. ये दूसरी मोहब्बत वो है जो मंगनी हो गई थी? नहीं नहीं नहीं, मंगनी नहीं थी. ये एक लड़की थी. मैं अच्छा क्या डिटेल्स बताऊं, बट या तीसरी होनी है. अभी होनी है. कुछ है, कोई नजर आया है, कोई अच्छा लगा? नहीं नजर तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं देखने की कोशिश नहीं कर रहा. अच्छा कैसे? अभी मैं सिर्फ देखिए इतना मैं काम कर रहा हूँ, एक्टिंग भी, गाने भी, व्लॉगिंग भी, और फिर टोरंटो भी जाना और ये वो, तो टाइम नहीं है अभी. तो टोरंटो में कोई है तो नहीं जैसे मिलने? टोरंटो में नहीं है. मैं शायद मेरी अम्मी को शक हो, लेकिन मुश्किल में डालने लगी हूँ तुम्हें है ना. जब अम्मी पूछेंगे तो क्यों कौन है? नहीं टोरंटो में तो कोई भी नहीं है और ना ही इधर है. अच्छा आजकल सिर्फ म्यूजिक और एक्टिंग, आजकल सिर्फ अभी व्लॉगिंग है. जी ओके. Do you regret anything? I don't think so. I think like aap jab cheezein hindsight mein dekhna shuru karte ho to you realize ke ek purpose ke liye hui, and then it takes you in certain direction. So no, absolutely no, there's no regret so far. Unless I do something major. Is there anything you want to change? Koi cheez badalna chahte ho apne baare mein? About myself? Huh? I think I can be a slightly more focused. Slightly more, I think I still haven't fully explored. I mean, I have explored what I, meri jo potential hai, but I don't think I have delivered on that potential. I personally feel Achha. that. I personally feel ki main aur mehnat kar sakta hoon, aur zyada involve hoke kaam kar sakta hoon. But that's just a personal thing. Like others might see ki nahi, you are being too harsh on yourself. बट आई फील कि मैं टाइम ज़ाया भी मैं काफ़ी करता हूँ जो नहीं करना चाहिए. तो क्या करते हो? आर यू वेरी डिफिकल्ट विद योर सेल्फ और आर यू काइंड टू योर सेल्फ? नो, आई एम वेरी डिफिकल्ट विद माई सेल्फ. या बिकॉज आई फील लाइक दिस टाइम इज सपोज आई एम सपोज टू लाइक वर्क रियली हार्ड व्हेन आई एम यंग एंड आई कैन माई बॉडी कैन टेक एज मच एज इट कैन. I should be pushing myself, and I can rest when I'm slightly older, when I'm like 80 or something. I try to live this life as if I'm already 80 years old in kisi hospital ke bed mein leta hu, aur ye jo bhi cheeze hain ye beautiful flashbacks hain jo abhi main jin ke andar reh raha hu. So I'm just trying to like make these as nice and you know just grab life from. To kya karna kya chah rahe ho, kya banna chah rahe ho? बनना कुछ नहीं चाह रहा. आई जस्ट वांट टू लाइक मैक्सिमाइज माय टाइम हियर एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड लीव लाइक अ वो कहते हैं ना डेंट इन द यूनिवर्स और समथिंग. सो दैट मतलब बनना बहुत इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट योर लाइफ इट्स वेरी वेरी शॉर्ट. इट्स लाइक नॉट इवन अ ब्लिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक द लाइफ ऑफ द यूनिवर्स व्हिच हैज बीन हियर फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स. यू कम हियर फॉर लाइक मैक्सिमम 100 years. तो लोगों के साथ किया है कुछ प्लान के ये वाले सिंगर या ये इस म्यूजिशियन के साथ मैं फ्यूजन करूंगा या कुछ मिलके हम काम करेंगे या कोई?
اس طرح کے میں نے فیوژن والے کیونکہ اف یو ار ٹریولنگ اگر آپ خوش قسمت ہو رائٹ آپ باہر جاتے ہو جی تو بہت کچھ آپ کر سکتے ہو یہاں کا میوزک وہاں کے میوزک کے ساتھ کچھ فیوز کرو کچھ نئی چیز چاہ رہے جو ڈینٹ کیسے بنے گا یا ڈینٹ ایسے ہی بنے گا رائٹ جب آؤٹ آف دا باکس سوچو گے باہر نکلو گے اور یہاں کا اتنی امیزنگ یہاں کی ہے ہیریٹیج ہمارے پاس میوزک میں you can take it out and you know absolutely and create something absolutely phenomenal like yeah right? yeah and I will continue that pursuit I have worked with some artists in UK and Achha. stuff, and there is a great artist called Nitin Soni. I don't know if you've heard of him, but he's worked with like Sting, Ellie Goulding, Paul McCartney, bahut bade bade naam. I did a collaboration with him okay. in England on like English songs. So he is this Indian ethnic but born in UK Achha. and a huge producer in UK. So unke sath maine kuch projects kiye jo abhi they haven't been released, but I've been doing stuff like that. There was another singer from Belgium who was on the Voice, ek show at the Voice. Haan. She was like top finalist in the Voice. Unke sath maine ek cover gana kiya tha. So when I was in America, I explored that side as well, with different cultures ke sath interact. میں امریکہ میں ٹور کیا پورا, کافی ساری یونیورسٹیز وغیرہ, ہارورڈ بھی گیا, براؤن گیا, اینڈ آئی پرفارمڈ آن آل دی یونیورسٹی کیمپسز, اینڈ مائی بینڈ واز دیز وائٹ کوکیشین مین ہوڈ نیو نتھنگ اباؤٹ اردو میوزک بٹ وڈ پلے ایز مائی بینڈ فار آل دیز پرفارمنسز, اور میں اپنے گانے بجا سیکھا بھی ہوگا نا یا, اور ان کو بھی بڑا مزہ آتا تھا, مجھے بھی بڑا, بیکاز یہ ہے ہی ایسا, یہ ہے ہی ٹو وے ہے یہ, جب آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ اس سے لیتے ہیں اور وہ آپ اس کو آف کورس آلسو گیو سم تھنگ ٹو دیٹ پرسن. پھر اب کیا کہاں کھڑے ہو ابھی؟ تو میں اسکرپٹ یاد کر, ابھی میرے بڑے چھوٹے چھوٹے گولز ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, بٹ اگر میں اوور holistically dekho, I think I've done a lot of stuff. I've put out a lot of music in the past, jab 2009 se shuru kiya hai. I've done a lot of OSTs as well. I've done collaborations here with like QB ke sath mera gana shuru hua. QB and I started like our careers pretty much at the same time. Then I went outside 2-3 saal ke liye. To and then I've done like, I've been very fortunate to have done like really good acting yes. projects mm-hmm. whether it's Sammi or even Abhi Jo Khamoshi Chal Raha Hai, that's like also one of the top ones right now on Hum TV. So I think like where I'm standing, I'm at a good sort of platform to go even higher. So I just don't want to stop going till I can, you know. It's agar main analogy de sakun to, جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو وہ پورا فیول اپنا لگا رہا ہوتا ہے, پوری انرجی کر کے جہاز تک, جب وہ فل اوپر پہنچ جاتا ہے پھر وہ آرام سے گلائڈ کرتا جاتا ہے رائٹ, پھر وہ اپنے انجن آف کر دیتا ہے. تو ابھی کہاں, کس پوزیشن, ابھی میں زور لگا چیزیں مجھے نیچے کھینچ رہی ہیں, نو گریویٹی کے نہیں, اور سم ٹائمز اٹ فیلز لائک ادر پیپل از لائک بٹ یو جسٹ اینڈ دین یو ہیو دیز ہیوج سپر اسٹار ہو آر لائک ایزیلی گلائڈنگ آن دا ٹاپ. And then you're like, hey, main aa raha hu bas. So I think I'm somewhere in there. Kya cheez bahut zyada khushi deti hai? Progress. Yeah. And family, I guess. Two things. Spending time with family and making progress. And ab behan ke sath kya relationship hai? Ab behan ke sath kafi acha relationship. I mean, abhi bhi like us tarah hamara wo utni ladai badai nahi hoti. لیکن پیار دکھانے کا طریقہ وہی ہے کہ طنز کرنا, مذاق کرنا. جی پھر بس نہیں, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ایک وقت پر آ کر تم اور تمہاری بہن آپ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, آپ وہ روتی بھی نہیں جاتی اور آپ کے کان نہیں پکڑے جاتے, مطلب ہو سکتا ہے گھر جا کے روتی میرے سامنے تو نہیں روتی, لیکن یا نہیں آتی, ہوتا ہے بہن بھائیوں کے درمیان یہ کہ ایک سرٹن اسٹیج پر آ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. میرا بھائی اور میں ابھی تک نہیں. اچھا نہ 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 ابھی نہیں, ہماری لڑائی چلتی ہے. اچھا ویل ہماری یہ کہ آئی تھنک ہم بور ہو جائیں گے ہم اس طرح چیز نہ کریں. آئی سپوز وہ بھی یہی کہتا ہے تو بڑا بورنگ ہوگا کہ میں تمہیں کچھ کہوں نہ, کچھ کیونکہ وہ آ گئی جی, میڈم جی آ گئی ہیں.
Yeah, I noticed like a lot of siblings, वो एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं, you know, like hug करते हैं और एक दूसरे के लिए बड़ी चीजें करते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा. मैं चीजें करता हूँ लेकिन मैं एक हमारा रहता है हर व्यक्ति के मैंने अगर कुछ करना है तो साथ तंग भी थोड़ा सा उसकी प्राइस पे. Do you cook? I started to, yeah. When I was in US, I started learning how to cook because survival ka masla. So, button lagane bhi seekh liye. Nahi, button lagane nahi seekhe. Istri karna. Button toot gaya to bas shirt nahi le li, lekin button le liya. Nahi. Mummy ne koshish badi ki ke sikha de, lekin nahi aaya. Istri karna aa gayi hai. Istri bahut achhi karta hu. Istri to bachpan se. Kapde dhona. Kapde bhi bahar to aasan hi hota hai. Usme dala aur. तो सफाई पसंद हो या टोटल सफाई chaos? पसंद बचपन में ऑर्गेनाइज्ड हो बचपन में बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं था लेकिन एज आई ग्रोन ओल्डर आई बिकम रियली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेरी क्लीन एंड एक्सट्रीमली लाइक ऑलमोस्ट ओसीडी लेवल में रियली या मतलब जब बेगम आएगी जिंदगी में तो वो बहुत खुश होगी कि वेरी वेल ट्रेन्ड हस्बैंड है कि माइंड करेगी कि ये तो बहुत ही ज्यादा रोबोटिक इंसान है. रोबोटिक हो गए हो? आई मीन रोबोटिक नहीं लेकिन आई लाइक थिंग्स टू बी लाइक एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड. चलते फिरते चीजों को ऐसे सीधा करते हो? नहीं इतना भी नहीं लेकिन आई लाइक के थोड़ी सी सिमेट्री हो. और डस्टिंग करते हो? डस्टिंग करता हूं यस. ओह हाउ नाइस. ओफ आई एम सो ग्लैड. हर चीज कर लेता हूं. आई थिंक खवातीन को अच्छा लगता है डस्टिंग के उनका घर थोड़ा सा साफ रखने वाला भी हो. ये मैंने चीज बाहर सीखी जब मैंने अपने मामू वगैरह के साथ हैंग आउट किया तो क्योंकि वहाँ पे तो आपके पास ना सर्वेंट्स होते हैं ना इतने हेल्प होती है तो आप यू आर सेल्फ रिलायंट तो ही वुड यू नो बी हेल्पिंग विद माय मामी इन लाइक यू नो सेटिंग थिंग्स अप क्लीनिंग स्टफ एंड स्टफ तो मैंने वहाँ से सीखा. दिस इज सो नाइस एंड सो स्पेशल. अगर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं टू कीप द हाउस. I mean, हो सकता है मैं चेंज हो जाऊँ, हो सकता है मैं लेजी हो जाऊँ, मैं नहीं यार बस अच्छा कर लिया. नहीं प्रॉब्ली ऐसा होगा. अभी तो आए हो यहाँ पर और अभी मैं लेजी हो जाऊँ. हाँ नहीं या मैं अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो होपफुली मैं इतना अमीर हो जाऊँ कि क्या चीज जमा करते हो? पैसे. वो तो जोड़ते हो ना. जमा क्या करता हूँ? वो तो पैसे तो जोड़ते हो. हाँ मगर जमा क्या कहते हो? व्हाट यू कलेक्ट? मेमोरीज, ideas, nothing. I don't like keeping physical things. I've read this amazing book that's almost like life changing. It's this Japanese woman who I'm completely blanking out right now, but she talks about the aspect of simplicity in your life and only keeping things that are absolutely essential. Hum apni life mein aksar hoard karte hain cheezein. कि ये भी किसी दिन मैं इस्तेमाल करूँगी लेकिन वो 10 साल पड़ी रहती कभी आप इस्तेमाल नहीं करते. सो वो एक रिचुअल होता है जापान में या एक जापानीज़ मेथड है जिसमें आप वाकई एसेंशियल चीज़ें देखते हो कि ये चीज़ें मैं वाकई इस्तेमाल करता हूँ, ये चीज़ें मैं नहीं इस्तेमाल. जो चीज़ें आप नहीं इस्तेमाल करते या आप उनको दे देते हैं या आप उनको फेंक देते हैं और आप अपने आप को बिल्कुल बेसिक चीज़ पर चला. लेटिंग गो या उसमें बहुत सब कुछ ही शामिल है जी. तो आप बहुत सारी चीज़ें उससे आप अपने बिकॉज वन यू होल्ड ऑन टू थिंग्स it just it, I guess it puts pressure on you. मेरे पास इतनी सारी चीजें और clutter free करने के that thing really helped me because I got rid of a lot of stuff like clothes I wasn't wearing, I gave them away, things that I wasn't using, I gave them away, things. So now you're in a suitcase. I'm pretty much living in a suitcase because I'm traveling also a lot, so I don't have much. Yeah, I just have this guitar and some clothes and stuff. And वो कितने हल्का हो जाता है ना इंसान जब आप एक छोटे से सूटकेस के अंदर अपनी एसेंशियल्स रख सके और उसको उठा के जहां मर्जी चले जाए. बिल्कुल बिल्कुल है ना. या सो आर यू गोइंग टू सी द वर्ल्ड? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इट बट या आई लव टू सी मोर ऑफ इट. आई हैव परफॉर्मड एट वेरी कूल प्लेसेस लाइक सोल साउथ कोरिया वेयर आई नेवर थॉट कि पाकिस्तानीज होंगे एंड वो एक अजीब ही बड़े मजे की जगह है. लाइक लिटरली इमिग्रेशन पे मैं गया तो उधर इमिग्रेशन पे जब उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किया तो मेरे से बात जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने की वो एक रोबोट से लगी हुई थी. उसने उर्दू में मेरे से बात की क्योंकि उसने मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट. सो इस तरह की टेक्नोलॉजिकल चीज़ें वहाँ बड़ी हैं और खाना इतना अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं कोरियन. तो इस तरह की मैं काफ़ी ट्रैवल किया लेकिन अभी काफ़ी जैसा पूरा यूरोप अभी मैंने नहीं देखा. एंड व्हाट इंस्पायर्स यू? लाइफ एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ लाइक सॉन्ग राइटिंग, लाइफ एक्सपीरियंसेस मोस्टली इन टर्म्स ऑफ लाइक
again, making the most of my life and doing as much as I can, that's something else. And ye zindagi jiske bare mein baatein itni ho rahi hain, ye hai kya zindagi? Hai kya zindagi? Agar aapko pata chale to mujhe batayega, kyunki mujhe to bhi nahi samajh. Main to abhi bhi khoj rahi hu, main bhi talash kar rahi hu, pata aur pata nahi, shayad nahi milega answer. Shayad zindagi khatam hone ke baad hi shayad zindagi ka jawab mile. Bahut sare logon ke paas jawab bhi hai, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं और है क्या और क्या नहीं है. बट योर माइंड जो को इतना इनक्विजिटिव है, yeah. उसने क्या तलाश किया कि जिंदगी क्या है? वो तो मैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मेरी अभी तक जो लाइफ फिलॉसफी वो यही है कि लिव ईच डे टू इट्स मैक्सिमम, ट्राई एंड गेट एज मच आउट ऑफ इट एज यू कैन एंड देन गिव away as much as you can. The idea is to, again, like, you know, sort of put a dent in the universe, do something that's going to be like eventually be helpful to people who are, and I hate to be preachy or anything like that, but you know, eventually I think I want to help people who are needy, who didn't have the privileges that I have growing up. I think that's very essential for me. Yeah, I want to do something for them. I just want to, like, suck out the pulp out of life and, you know, be like extremely satisfied by the time I'm done. Like when I'm going out, like, haan yaar, kaafi kar liya. I think agar kisi shakhs ko ye mauka mil jaye ki wo apne aap ko dhoond sake, ji, through you, yeah, jiski family mein wo nahi right, hai right. uske paas maujood wo facilities, right I think wahi bahut badi baat hai. One yeah. singer or one, yeah, you know, yeah. male or female, right. anybody जो के पढ़ना चाहता है, right. और अगर आप उसको पढ़ा दें, right. yeah, absolutely. So we can't have, you know, like, we are not that fortunate like so many other people. जो पता नहीं कितने लोगों को पढ़ाया है, जी, बिल्कुल. You know, yeah. अगर I think एक भी शख्स को अगर आप पढ़ा दें या उसका हाथ पकड़ के ले जाएं, बिल्कुल. Into another world, yeah. you know, that yeah. world we have been lucky yeah, to see. Even like that's a life worth living, I think. If you can just help one person, then I think life well lived. But I also want to, like, I just want to, like, suck out the pulp out of life and, you know, be like extremely satisfied by the time I'm done. Like when I'm going out, like, haan yaar, kaafi kar liya. Because I as I grow older, I start to realize how soon you just start to get old. Like that, you know. Yeah. It's yesterday I was just a kid, and now I'm starting to grow old, and then eventually, like, I'll get older and older, and before you know it, it's just ended. And but the life keeps going on. Newer people keep coming. So what is death? Kya hai? Maybe death is just, I don't know. I wish I knew. I mean, it's such a deep and big question. Maybe it's a gateway to another world. Maybe it is a start of something else. Or I mean, there are certain answers that are in the religion. You know, religion tells us that there is life after the death, and most of us believe in that. So, if that is the case, and I, inshallah, hope that that is the case, then I think we'll all be fine as long as we're doing like good things here. But I feel that when you're creative, hain, hote hain, aur, aap kuch kar rahe hote hain, aur, yeah. आप दे भी रहे होते हैं, returning it back to life, right. फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जिंदगी काफी नहीं है. ये तो नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं समझती हूँ सारी किताबें पढ़ने के लिए और सारे लोगों से मिलने के लिए अच्छे, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जरूरी है सारे म्यूजिक सुनने के लिए? नहीं, लेकिन क्या जरूरी है सारा म्यूजिक सुनना या सारी किताबें पढ़ना या सारे लोगों से मिलना? मे बी सिर्फ अपने आप से मिलने, अपने आप से नहीं, लेकिन जितना आपकी उसमें है गुंजाइश में, जितनी कैपेसिटी है, कंप्यूटर ही है ना बेसिकली ब्रेन, तो उसमें जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो आई गेस उतना कर लो. मतलब हाँ, आइडियली अगर आप सारों को जान लो, सारी चीज़ें देख लो, लेकिन कहीं आप उसकी वजह से इनसेंसिटिव ना हो जाओ कि मैंने इतना कुछ देख लिया तो जो मेरे पास, लाइक अगर आपके पास कम चीज़ें हो तो आप आई गेस उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओ. मे बी आई डोंट हैव एनी आंसर, सॉरी. अच्छा, फिर हम एक गाना सुना दो. हाँ, दुखी गाना होगा तो. हाँ. इसका नाम है तो क्या हुआ.
अच्छा शाम वही पर तू नहीं अब ये सफर बस ऐसे ही करना होगा चलना होगा तो क्या हुआ जो तू गई was fun. Thank you so much. Pleasure meeting you. Yeah, thank you for having me. It was great. Because I dua karne lagi. Ki tumhe jaldi se koi mil jaye, bahut paas aa jaye. Nahi, mere fans bade naraaz ho jayenge. Aur phir hum tumhari bani mein pe aaye. Mere fans ko nahi pasand aayegi aapki ye baat, lekin acha. Thank you. I appreciate. I wish you the best. Thank you.